आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज 16, जहां जाए सच के साथ। सुनी हुई सरकार प्रदीप जी, और योगीकरण खातिर आया है, जो वादों करे वो निभा रहे। हमने नगर में चुनाव के दिनों में हमने आज पूरे 15 पार्षद, हमारे चेयरमैन, हमारे सब डिवीजन के मालिक श्री वकील अहमद, एसडीएम, हमारे पीडब्ल्यूडी बीएनआर के एक्शन श्री अश्विनी कुमार, हमारे बिजली बोर्ड के एसडीओ श्री ललित वशिष्ठ, हमारे पब्लिक हेल्थ के दोनों एसडीओ दीपक जी और सालवान जी, आज हरियाणा सरकार के तमाम आला अधिकारियों के साथ, और ये नगर का प्रवेश द्वार है। चुनाव में हमने वादा किया था कि हम सबसे पहले इस समस्या का समाधान करेंगे, और आप सबकी उपस्थिति में, नगर के लोगों की उपस्थिति में, पूरे प्रशासन को लेकर के आज आपकी चश्मदीद गवाही में नारियल फोड़ करके इस समस्या का समाधान, आज के बाद आपको यहाँ हरियाणा सरकार काम करते हुए दिखाई देगी। ये पिछले 5 साल की समस्या का ये समस्या है, और लाखों लोगों को ये नगर का प्रवेश द्वार है, यहाँ आई हॉस्पिटल है, सब्जी मंडी का रास्ता यहाँ से है, और ये हमने वादा किया था। आज इसीलिए हम पूरे पार्षद, हमारे एसडीएम, हमारे एक्शन, बिजली बोर्ड, पीडब्ल्यूडी बीएनआर, पब्लिक हेल्थ, वो सब के साथ आज हम इस समस्या का नारियल फोड़ करके, और हरियाणा सरकार युद्ध स्तर पर आज के बाद आप सबको दिखाई देगा कि हम इस समस्या का स्थायी समाधान निकालने में जुट गए। सर, क्या योजना बनाई इस समस्या से निदान की? इस सड़क को एक तो दोनों तरफ पानी की निकासी के लिए चैनल बनाए, हमारे एक्शन बीएनआर हैं अश्विनी कुमार जी हैं, और ये पानी निकाल करके इसमें 2 फुट 3 फुट जितना जरूरत ये इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट समझेगा इसका भर्त करेंगे और इसको उठाएंगे। सर, ये कितने दिन में काम शुरू हो जाएगा? ये काम तो शुरू आज से ही हो जाएगा, पर अब इसको पूरा करने में कुछ महीने तो लगेंगे।